नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में देश के 62 करोड़ मेहनतकश किसान और खेत मजदूर से लूट का खुलासा करने के लिए हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। मेहनतकश किसानों से आपदा में अवसर बनाकर मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ की नई लूट की बिसात बिछाई है। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। मोदी सरकार वाकई में देश के अन्नदाता से बदला लेने की साजिश रच रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। सही मायनों में मोदी सरकार किसान की दुश्मन बनी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। कृषि सेंसस को ही देख लीजिए। कृषि सेंसस के मुताबिक इस देश में 14.64 करोड़ किसान हैं और ये 2015-16 का सेंसस है, जो लगभग 15.78 करोड़ रकबे को काश्त करते हैं, खेती करते हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाकर किसान पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त बोझ डाल रखा है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। 3 काले कानून बना खेती को बेचने की साजिश हो, डीजल की कीमतों में बेइंतहाशा वृद्धि हो, खेती पर टैक्स लगाने की कवायद हो, किसान को कर्ज माफी के नाम पर पीठ दिखाकर भाग खड़ा होना हो, फसल बीमा योजना के नाम पर किसान की लूट हो और अब खाद की कीमतें बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ डालना हो, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए किसान विरोधी है। और मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। नंबर एक, डीएपी यानी डाई एम्यूनियम फॉस्फेट, आप जानते हैं कि यही सबसे ज्यादा खाद है जो हमारे देश में किसान इस्तेमाल करता है। खाद के इस 50 किलो के बैग की कीमत मोदी सरकार ने रातों रात 1100 रुपया प्रति बैग से बढ़ाकर 1900 रुपया प्रति बैग कर दी। दोस्तों, ये पिछले 74 साल में कभी नहीं हुआ। 700 रुपया प्रति बैग डीएपी के बैग का इजाफा किसान और खेती की कमर तोड़ कर रख देगा। साल 2020-21 में यानी चालू साल में, आपको मैं अंदाजा आप बताता हूं कि कैसे तोड़ेगा। साल 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत हमारे देश में होगी। यानी केवल एक साल में अगर 700 रुपया प्रति बैग आप डीएपी का बढ़ाएं तो देश के किसान पर 13,020 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मोदी जी ने कंपनियों की जेब में आपदा की आड़ में 13,020 करोड़ रुपया डाल दिया और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी देश के 62 करोड़ किसान मजदूर परिवारों को। जब 1 महीना पहले बढ़ोतरी की खबर आई तब भी हमने ऐतराज किया था, पर तब मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने ट्वीट करके, वीडियो करके कहा कोई कीमत नहीं बढ़ेगी और अब चोर दरवाजे से कीमत बढ़ा दी। किसान विरोधी मोदी सरकार की नीति का अगर अंदाजा लगाना है तो वो केवल इस बात से साबित होती है कि 2014 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार गई तो डीएपी खाद के 50 किलो के कट्टे यानी बैग की कीमत थी 1,075 रुपया। 6.5 साल में किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने 1,075 रुपया के डीएपी के 50 किलो के खाद के बैग की कीमत बढ़ाकर दुगनी कर दी, 1900 रुपया कर दी। ये 73 साल में दोस्तों कभी नहीं हुआ। और यही नहीं, एनपीकेएस आप सब जानते हैं,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसकी खाद का इस्तेमाल हम इस किसान भाई करते हैं, इसकी कीमत भी अनाप शनाप बढ़ा दी है। एनपीकेएस की 10-26-26 रेशो वाले खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 1175 रुपया से बढ़ाकर 1775 रुपया कर दी। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो किसान यूज करता है, जिसकी रेशो 20-20-0-13 थी, उस खाद की बैग की कीमत 925 रुपया से बढ़ाकर 1350 रुपया कर दी। 12-32-16 की रेशो वाले खाद के बैग की कीमत 1185 से बढ़ाकर 1800 रुपया कर दी। हर जगह दुगना कीमत में इजाफा कर दिया। और यही नहीं साथियों, किसान डीएपी के साथ साथ और क्या यूज करता है? पोटाश खाद के 450 किलो के बैग की कीमत 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो 450 रुपया प्रति बैग थी, आज वो बढ़कर 825 रुपया प्रति बैग हो गई है। चौंकिए मत, 100% से ज्यादा इजाफा मोदी सरकार ने पोटाश बैग में 6.5 साल के अंदर कर दिया। सुपर खाद जो किसान तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर यूज करता है, सुपर खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो 260 रुपया थी प्रति बैग, आज वो भी 340 रुपया प्रति बैग हो गई है। ये सारी कीमतें अगर मैं लगाऊं तो सालाना अतिरिक्त भार जो अब मोदी सरकार डाल रही है केवल केवल इस ताजे इजाफे से, तो वही 20,000 करोड़ रुपया सालाना आएगा। ये आपदा में लूट नहीं तो क्या है साथियों? मैं 2-3 बातें और इसके साथ कहूंगा। खेती पर टैक्स लगाने वाली 73 साल में यह पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी जाबर किसान विरोधी सरकार। खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, कीटनाशक दवाइयों पर 18% जीएसटी लगा दिया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर 12% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर के टायर और असेंबली पर 18% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगा दिया। ना ये वेंटिलेटर्स को छोड़ रहे, ना ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को छोड़ रहे, ना ये किसान के खाद को छोड़ रहे, ना किसान की कीटनाशक दवाइयों को छोड़ रहे। और यही नहीं, किसान का ईंधन एक और क्या है, वो है डीजल। किसान के उस ईंधन पर 28-37 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी। केवल पिछले एक साल में ही मोदी सरकार ने डीजल की कीमतें 21 रुपया 22 पैसे बढ़ा दी। 4 मई 2020 को डीजल की कीमत, मैं याद दिलाऊं, 62 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर थी, जो आज 83 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर हो गई। 6.5 साल में डीजल पर मोदी जी ने 820% एक्साइज ड्यूटी लगाई, पेट्रोल की कीमत अलग से बढ़ाई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर डीजल की कीमत में मोदी सरकार ने 21 रुपया 22 पैसे का इजाफा किया है? पीएम फसल बीमा योजना का ढिंढोरा पीटा, पर अब आंकड़े साफ तौर से दिखाते हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर पीएम फसल बीमा योजना जब से आई है, प्राइवेट कंपनियों को 26,000 करोड़ का मुनाफा हुआ और किसान को आज तक भी उसकी फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं मिल रहा, और कर्ज माफी के नाम पर किसान को पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। फरवरी 2015 में शपथ पत्र देकर यह कह दिया कि किसान की कर्ज माफी नहीं हो सकती। आप बताइए, जब प्राइवेट कंपनियों का, जब मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों का 7,77,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो किसान का 2-3 लाख-4 लाख करोड़ रुपया माफ क्यों नहीं हो सकता? और याद करिए, मोदी जी सत्ता में आए थे किसान को लागत पर 50% का वादा करके, और शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि किसान को कभी भी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। साथियों, हमारी मांग है
कि देश के 62 करोड़ किसान मजदूरों से यह लूट बंद हो और खाद की बढ़ी हुई कीमतें फौरन वापस ली जाए। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, आपका स्वागत है। प्रणव जी। जी सर, पहले सुओ मोटो से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अन्य विषयों पर जाएंगे। आप कृपया अपना सवाल इंगित करिए कि करके। सिद्धार्थ फ्रॉम एनआई सर, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ। सर, आपने जितनी भी बातें रखी हैं, इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि किसानों पे बड़ा बोझ पड़ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आपको लगता है कि सरकार ये फैसले जब ले रही है तो क्यों वो अपना नफा नुकसान नहीं सोच रही है, किसानों का नफा नुकसान नहीं सोच रही है, और ये इतने बोल्ड स्टेप क्यों ले पा रही है सरकार कि जानते हुए कि किसानों पे इतना बोझ पड़ेगा तो उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, तो इतनी जो है इतनी बोल्डनेस की वजह क्या समझते हैं आप सरकार की? सिद्धार्थ जी, मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूं, ये बोल्डनेस नहीं, ये जुल्म है, ये बोल्डनेस नहीं, ये अत्याचार है, ये बोल्डनेस नहीं, ये अहंकार है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा इस देश में कौन सी खाद इस्तेमाल होती है? वो डीएपी है। और मैंने सरकार का आंकड़ा निकाला है, जो एस्टीमेट है उनका, कि 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन डीएपी इस्तेमाल होगी। आपने 700 रुपया प्रति 50 किलो के बैग बढ़ा दिया, 13,020 करोड़ रुपया किसान की जेब से एक झटके में लूट लिया। उसका कारण बड़ा सीधा है, मोदी जी और मोदी सरकार खेती को खत्म करना चाहते। मोदी सरकार खेती को चंद उद्योगपतियों की गुलाम बनाना चाहती है। मोदी सरकार ने 3 काले कानून, जो कृषि विरोधी काले कानून, जिसके विरोध में 62 करोड़ किसान खड़ा है और लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, वो भी इसलिए पारित किए कि 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार किसी तरह से मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों के कब्जे में आ जाए। और इसी लक्ष्य के साथ खेती करने को इतना जटिल, इतना महंगा और इतना मुश्किल बना रहे हैं कि किसान अपने हथियार डाल दे और उद्योगपतियों की ड्योढ़ी पर सरेंडर कर दे, जैसा मोदी जी चाहते हैं। पर ये जान ले मोदी सरकार कि किसान ने बड़े बड़े जाबर जालिम सरकारों को अपनी ड्योढ़ी पर उनका सर टिकवाया है, और एक बार फिर किसान इकट्ठा होकर संघर्ष करेगा। कांग्रेस किसान के साथ संघर्ष करेगी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। अगला सवाल राकेश कपूर जी पूछना चाहते हैं। राकेश जी। प्रणाम कपूर साहब। हाँ सुरजेवाला जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है, जो बेसिक चीजें, ये सारी चीजें जो आपने गिनाई अभी, कि जितनी भी खाद है उनकी कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं, अगर इसको हम कंपेयर करें एमएसपी से तो ये बहुत ज्यादा है, किसानों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। लेकिन जो मूल सवाल जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सारी चीजें हैं बीजेपी गवर्नमेंट की कृषि को लेकर के, ये जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से कृषि को इनकम टैक्स के घेरे में लाना, टैक्स के, क्योंकि इनका जो मूल घोषणा पत्र है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, जिसका बहुत विरोध हुआ और बीजेपी ने इसमें बाद में संशोधन भी किया, लेकिन ये सारी चीजें उसी तरफ जा रही हैं। ये जितनी नीतियां हैं ये उसी तरफ हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके इसको टैक्स के घेरे में किसी न किसी तरीके से लाया जाए। अब अगर आप इसका कंपोजिट इम्पैक्ट देखें तो आप इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आप किसान के बेटे हैं, आप ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मेरा सवाल यही है, क्या चीजें उस तरफ जा रही हैं? खेती पर टैक्स लग चुका है, सिर्फ मोदी जी मुंह से बोल नहीं रहे। आदरणीय कपूर साहब, आप सबसे शायद वरिष्ठ और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। आप देखिए, जब आपने खाद की कीमत 1,075 रुपया प्रति बैग डीएपी से बढ़ाकर 1900 रुपया कर दी, तो 100% इजाफा कर दिया। आपने जब खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया तो टैक्स तो लगा दिया। जब आपने डीजल पर 800% से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी
तो बगैर टैक्स कहे किसान की जेब से टैक्स तो निकाल लिया। एक साल में 22 रुपया अगर डीजल की कीमत बढ़ा दी तो किसान पर टैक्स तो लगा दिया। अगर पेस्टिसाइड्स पर 18% जीएसटी लगा दिया तो किसान पर टैक्स तो लगा दिया। अगर किसान के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर 12% और टायर पर 18% टैक्स लगा दिया जीएसटी, तो टैक्स तो लगा दिया। सिर्फ बोलकर नहीं कह रहे, किसान खेती आज टैक्स के दायरे में पूरी तरह से आ चुकी है, बल्कि उसको पीसा जा रहा है। इतनी ज्यादा उसके उत्पाद में इस्तेमाल आने वाली कीमतें बढ़ाकर कि वो हथियार डाल दे। पर शायद मोदी जी भूल गए कि किसान ने, मजदूर ने कभी प्रकृति के आगे हथियार नहीं डाले। प्रभु के सिवाय किसान किसी के आगे झुकता नहीं, केवल ईश्वर के आगे झुकता है। मोदी सरकार क्या खाक है, उसको अपनी ड्योढ़ी पर किसान उसका सिर टिकवाकर ही निर्णय लेगा। तब तक किसान चैन से बैठने वाला नहीं, और कांग्रेस इसमें चट्टान की तरह किसान के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद सर। कोई और सवाल है सो मोटो पर? हाँ, एक सवाल मुझे पूछना है थोड़ा सी। जी मेरा सवाल ये है कि जो ताजा अपडेट है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की तरफ से एक कम्युनिकेशन भेजा गया है जो इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर की, कि आप लोग रीजनेबल अपने प्रॉफिट को रखें। और ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये कंपनी है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये उसको प्रॉफिट को रीजनेबल रखते हुए कीमत से नहीं बढ़ने देगी? और अगर नहीं आवाज कटने लगी आपकी, ड्रैग हो रहा है। मैं आपके सवाल की भावना समझ गया हूँ, हालांकि आवाज टूट गई। आदरणीय मित्र, ये मुनाफाखोरों की सरकार है, ये ऐसी जुल्मी मोदी सरकार है जो किसान से लूट रही है। कैन आई आंसर नाउ? जी सर, हाँ करिए। आदरणीय मित्र, ये मुनाफाखोरों की सरकार है, ये एक ऐसी जुल्मी सरकार है जो चोर दरवाजे से किसान के खेत में, किसान की मेहनत पर, किसान की जो जिंदगी है उसे लूटने का प्रयास कर रही है। आप मुझे बताइए, आप साफ ने सब्सिडी किसान की विड्रॉ कर ली, आपने कंपनियों को यह इजाजत दे दी कि वो 1900 रुपया कीमत कर दे। आज बाजार में जाइए ना, डीएपी खरीदिए, बाजार में जाइए आप एनपीकेएस खरीदिए, बाजार में जाइए पोटाश और सुपर खाद खरीदिए, तो आपको रेट पता चल जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सजा दीजिए चौराहे पर खड़े होके, जैसे मोदी जी कहते हैं, और नहीं तो फिर मोदी सरकार को ये सजा। ये झूठी चिट्ठियां निकालकर सारा स्वांग झूठ प्रपंच और फर्जीवाड़े पर इनका टिका है। इनका नाम बहुत झूठी पार्टी, बगैर कारण नहीं रखा, बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी। इसका नाम अब बहुत झूठी पार्टी से बदलकर बहुत जुल्मी पार्टी हो गया है, क्योंकि जैसे किसान पर जुल्म डाया जा रहा है तो बी से बहुत, जे से जुल्म और पी से पार्टी, ये बहुत जुल्मी पार्टी हो गई है। तो इस प्रकार के झूठे कागजात की बजाय कीमत कम करवाएं। आपने कीमत 1900 रुपया करवा दी, आप ये प्रपंच कर रहे हैं। अगला सवाल सर नीरज है, न्यूज 18 इंडिया से। नीरज पूछिए अपना सवाल। रणदीप सर, मेरा सवाल यह है कि किसानों से जुड़े मसले हो या दूसरे कानून हो, अगर भूमि अधिग्रहण कानून को छोड़ दे तो उसके अलावा सरकार को आप लोग पीछे ढकेलने में बार बार नाकामयाब रहे हैं। किसानों के मसले की अगर बात करें तो मेरा सवाल यह है कि किसानों को ये लगता है कि एक बड़ा विकल्प कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पे उस फैसले के का विकल्प देने में या किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब रहती है, इसीलिए चाहे चुनाव की बात करें या उसके प्रभाव की बात करें वो किसानों तक नहीं पहुंचता है। तो आप बार बार सवाल उठाते हैं, सरकार पीछे नहीं हटती है, तो ऐसे में किसानों तक अपनी बात या उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी करे? आदरणीय नीरज जी, 2014 में जैसे ही सरकार बदली तो उन्होंने किसान की जमीन को चंद उद्योगपतियों को बेचने के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया।
याद करिए तब भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने विरोध किया और हमने जीत हासिल की, ये हमने नहीं की, ये किसान की जीत थी। उसके बाद कीमतें बढ़ाने का जहां प्रश्न है, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रश्न है, जीएसटी लगाने का प्रश्न है, खाद की कीमतें बढ़ाने का प्रश्न है, ये सरकार चोर दरवाजे से करती आ रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती आ रही है। ये अब देश के लोगों को समझना पड़ेगा, किसान के, मजदूर के, गरीब के साथ कौन है, और कंपनियों की मुनाफाखोरी करवाकर उनसे चंदा लेने का हिस्सेदार कौन है। अब समय आ गया है, देश करवट ले रहा है, देश बदल रहा है वाकई में, और इस बदलते देश में अब लोग ये समझने लगे हैं कि कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के लाखों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, वो देश के गरीब, देश के किसान, देश के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और किसानों के साथ खड़े हैं, और बड़े बड़े धन्ना सेठों के साथ मोदी सरकार खड़ी है। आप ये पाएंगे कि ये बदलाव 2024 में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगा, पर हम 2024 तक इंतजार करने वाले नहीं, हम हमारे अन्नदाता के लिए एक निर्णायक लड़ाई आज ही लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नियामिका प्रवीति भारत। सर, आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। एज अमिड द कोविड क्राइसिस वी आर विटनेसिंग हिसार emerging as the new epicenter of farmers agitation. Congress has always remained in support of this protest, but in view of the COVID spread, would you like to appeal to the farmer unions to take back their protest? As Haryana CM has also recently stated that farmers' protests have turned Haryana villages into COVID hotspots. So how do you see this, sir? Adarniya Mitra, jab ati ho jati hai, jab pani sar se nikal jata hai, तो जाकर किसान सड़कों पर आता है, मजदूर सड़कों पर आता है। जो हिसार में हुआ वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार मोदी सरकार के इशारे पर उत्तेजना भड़काने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दो अस्पतालों का, टेम्परेरी अस्पतालों का उद्घाटन करने आए, एक तो एक कांग्रेस के परिवार ने ही बनाया था, तो फीता काटने की आपको क्या जरूरत थी, आप वीडियो कॉल पे कर देते। और दूसरे अस्पताल में अब डॉक्टर भी भाग गए, कंसंट्रेटर भी भाग गए, बेड की चद्दरें भी भाग गई और बिजली का कनेक्शन भी भाग गया, ये उसकी हालत हुई। और इस अस्पताल में भी सरकार ने MBBS की बजाय BDS डॉक्टर कोविड के इलाज के लिए लगा दिए। ये तमाशा कर रहे हैं खट्टर साहब, तमाशा करने की बजाय, किसानों को भड़काने की बजाय, किसान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। किसान सुपर स्प्रेडर नहीं, मोदी सरकार सुपर स्प्रेडर है। जब खट्टर साहब खुद गए तो हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तब कोरोना नहीं फैलता। मोदी जी लाखों की रैली करते हैं तो भी कोरोना नहीं फैलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता हजारों की रैली करें तो भी कोरोना नहीं फैलता, परंतु किसान अपना अधिकार मांग ले तो कोरोना फैल जाएगा। वो हमारी जान ले रहे हैं, वो हमारे अस्तित्व पर हमला कर रहे हैं, वो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, वो हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं, वो हमारी धरती माँ पर खेती करने का अधिकार हमसे छीन रहे हैं, और अगर हम विरोध ना करें तो क्या करें, आप बताइए। बट सर, कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देने चाहिए? बिकॉज वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, उससे ज्यादा चांसेस हैं कोविड फैलने के, तो इसको आप कैसे देखते हैं? केवल किसान इकट्ठे हों तो कोविड फैल जाएगा, पर खट्टर साहब हजारों की अपने चेले चपाटों को लेकर अगर वो फोटो खिंचवाएं और अस्पतालों के उद्घाटन का झूठा फीता काटे तो कोविड नहीं फैलता, ये किस प्रकार का दोगला? किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपनी जिंदगी और रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, किसान अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। किसान की रोटी आप छीन रहे हैं, मजदूर की रोटी आप छीन रहे हैं, वो केवल अधिकार मांग रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, कहिए ना मोदी जी और खट्टर साहब को, आज ही काले कानून खत्म कर दें, आज ही सारे कानून, आज सारे किसान घर वापस चले जाएं, बस इतनी ही सी ही बात।
अगला सवाल लेता हूँ सर, जैनेन्द्र एबीपी से, पूछे जी पढ़ो सर। सर मेरा सवाल टूलकिट विवाद को लेकर है, पूछ सकता हूँ सर? जी पूछिए जी। थैंक यू सर। दिल्ली पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक हमें शिकायत नहीं मिली है, जबकि कल कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि आप लोगों ने कमीशन ऑफ पुलिस और तुगलक रोड थाने में शिकायत दी है, तो इस पर जरा स्थिति स्पष्ट करिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें शिकायत नहीं मिली है, जब मिलेगी तब कार्रवाई करेंगे। आदरणीय मित्र मेरे साथी, कल ही आपको जो उनको ईमेल हमने डिलीवर की है उसकी कॉपी अभी आपको दे देंगे मेरे मित्र जो हैं प्रणव जी। लगता है दिल्ली पुलिस भी अब इस प्रकार के आनाकानी कर फर्जीवाड़े में आरोपित जेपी नड्डा जी और भाजपा के नेताओं को बचाने में लगी है। पर मैं क्या आपसे एक विनम्र राय करूं, ये फर्जीवाड़ा करेंगे, एजेंडा सेटिंग करेंगे, कोरोना से ध्यान बटाएंगे, खाद की कीमतों से जो 20,000 करोड़ की लूट हो रही है उससे आपको भटकाएंगे। 20,000 करोड़ की लूट का सवाल जरूरी है या इनके फर्जी कागज जरूरी है? भैया आप कोरोना में वैक्सीन दो, बेड दो, ऑक्सीजन दो, दवा दो, आप ये फर्जीवाड़ा बंद करो ना। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रही है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। और लगता है दिल्ली पुलिस भी अब, क्योंकि इनके दबाव में तो रहती ही है, लगता है दिल्ली पुलिस भी इनके नीचे दबकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मैजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। पर आज सवाल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे, इनको सजा मिलेगी, परंतु कोरोना का इलाज कब करेंगे, सवाल इतना ही है। अगला सवाल लेता हूं सर, प्रशांत है कि एक इसी से जुड़ा सवाल है, छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है याचिका लेकर टूलकिट मामले पर, मामला दर्ज करने के लिए बीजेपी नेताओं पे? जी नहीं, कानून अपना काम कर रहा है सर और हमने दरख्वास्त दे दी है। मैं फिर आपसे ये बताता हूँ, ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। कल उन्होंने सब चैनल्स को कहा एक ही इशू पे डिबेट होगी, तो आप देख लीजिए कल कोरोना पे डिबेट नहीं हुई, एक फर्जी कागज जो बीजेपी ने बनाया था उस पे डिबेट हुई। अब वो चाह रहे हैं आज फिर ये हो जाए। हम ये कह रहे हैं भैया आपने 20,000 करोड़ की लूट किसान से कर ली, 62 करोड़ इस देश में किसान मजदूर हैं, उस 20,000 करोड़ की लूट का जवाब दो कि वो वापस कब होगी। हम ये कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है 15 से और 85 साल तक, 90 साल तक के लोगों के लिए, जीवन रक्षक दवाएं कहाँ है, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड कहाँ है। पर ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझा कर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है और आपसे हमें उम्मीद है, पत्रकार मित्रों से, कि आप इनकी बचकाना और बेवकूफाना कॉन्स्पिरेसीज में नहीं फंसेंगे। लेकिन सुरजेवाला जी, जो कोर्ट से जानकारी आ रही है उसमें ये है कि शशांक शेखर झा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और जो उसमें टूल किट का मामला भी उठाया गया है और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ याचिका में कहा गया केंद्र सरकार कांग्रेस की टूल किट की प्रारंभिक जांच कराए और अगर उस मामले में कोई अपराध साबित होता है तो चुनाव आयोग उसका पंजीकरण रद्द करे। तो आपसे कोई संबंध नहीं है शशांक शेखर झा का जो याचिका करता है? देखिए बड़ा सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस प्रकार के तमाशे, इस प्रकार के खेल, इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र करेगी। कभी याचिकाएं दायर करवाकर, कभी उन्हें वापस करवाकर, कभी किसी प्रकार के झूठे सच्चे जो हैं वो मुकदमे खारिज करवाकर, ये खुद ही मुकदमा दायर करते हैं, खुद ही दलील देते हैं, खुद ही खारिज करवा लेते हैं, खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं। न कांग्रेस गई ना कांग्रेस जाएगी, हमने FIR दिल्ली पुलिस को दी है, हमारे साथियों ने कई और जगह भी FIR के लिए दरखास्त दी है, कानून कार्रवाई करेगा। आज ये मामला है ही नहीं साथी, मामला है 20,000 करोड़ की 62 करोड़ लोगों से लूट का, उसका जवाब नहीं देना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका में मामले को उलझा दो। ये नहीं बताना कि ICU बेड क्यों नहीं है, वेंटिलेटर क्यों नहीं है,
इसलिए इसलिए पूरे मामले को उलझा दो, उलझा के रखो। ये नहीं बताना कि टोसिला जॉम का इंजेक्शन क्यों नहीं मिलता, ये नहीं बताना कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन पे 30,000 रुपया ब्लैक में क्यों मिलता है, ये नहीं बताना कि फेबीफ्लू और आइवरमेक्टिन की इंजेक्शन और गोली उपलब्ध क्यों नहीं, ये नहीं बताना कि डेक्सोना के इंजेक्शन पर ब्लैक क्यों चल रही है, ये नहीं बताना कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए, ये नहीं बताना कि फर्जी वेंटिलेटर क्यों दे दिए पीएम केयर फंड से। इसलिए इस प्रकार के झूठे एजेंडा सेट करने हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है इन एजेंडा से बचिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। प्रणव जी, मुझे अब कहीं और अस्पताल में जाना है तो मैं आपसे और दोस्तों से अनुमति चाहूंगा। दो सवाल से जल्दी जल्दी छोटे छोटे सवाल ले लेता हूँ, एक प्रशांत है और एक सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के लिए, हाँ सर मैं सुन पा रहा हूँ सर। मैं मेरा सवाल सर ये है कि आप लोग वैक्सीन की उपलब्धता के ऊपर बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी कि कई और कंपनीज को लाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने अभी कल एक कार्यक्रम में ये बात कही है कि जब उपलब्धता नहीं होगी और मांग होगी ज्यादा तो दिक्कत होनी ही है, एक नहीं 10 कंपनियों को वैक्सीन के की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देना चाहिए और 15 से 20 दिन में समस्या वैक्सीन की हल हो सकती है, इसके बाद अगर सरप्लस हो तो कंपनियां बाहर सप्लाई करें, बाहर एक्सपोर्ट करें। इस पर कांग्रेस की क्या टिप्पणी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने ये शुरू में ही कहा। सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी को कहा कि कंपलसरी लाइसेंसिंग वैक्सीन की करिए। दुर्भाग्य ये है कि ना तो प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात सुनी और पढ़ी, और दुर्भाग्य उससे भी ज्यादा ये है कि गडकरी जी की बात सुनते। गडकरी जी वही कह रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी लगभग 25 दिन पहले कह चुके। पर दुर्भाग्य ये है कि इस पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा किसी की आवाज सुनी नहीं जाती। तो गडकरी जी वही ने जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की बात को दोहराया, राहुल गांधी जी की बात को दोहराया, उसके लिए उन्हें साधुवाद। पर दुर्भाग्य से उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही। जब उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही तो क्रियान्वयन कहां होगा, क्योंकि कोई अच्छी सलाह नरेंद्र मोदी जी मानने को तैयार नहीं। धन्यवाद सर। आखिरी सवाल प्रशांत है, कई से प्रशांत। मॉर्निंग रणदीप जी, एज यू आर स्पीकिंग देयर इज आल्सो अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ बीजेपी लीडर कॉल्ड संबित पात्रा गोइंग ऑन एंड इन व्हिच ही हैज वंस अगेन यू नो कम आउट एंड सेड दैट द डॉक्यूमेंट्स दैट वर अपेरेंटली रिलीज्ड यस्टरडे बाय देम, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय समवन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी इज व्हाट देयर क्लेम इज। ही इज नॉट सेइंग दैट परहैप्स Congress, instead of answering, is, you know, going around filing FIRs against us. So I want to know, sir, are the two documents same which they released yesterday and the one that they are talking about today? Can you please explain that, sir? Prashant ji, the apparent forgery and its use to divert agenda and do agenda setting by BJP has been exposed. I understand that Dr. Sambit Patra will have to go to jail and he is jittery because of that. Maybe JP Nadda ji will also have to go to jail. Maybe Smriti Irani ji and Santosh ji will also have to go to jail. This forgery will not succeed. And they are trying to reset the agenda today. Ek wo Hindi ki kahawat hai na, khisiyani billi khamba noche. लिखते अपने नाम के आगे डॉक्टर हैं, फर्जी कागज दिखा रहे हैं। अरे भैया, इतना लोगों की सेवा करनी है तो अपनी डॉक्टरी जाकर कहीं कोविड अस्पताल में जाकर आपके चैनल को बोलना चाहिए, वहां सेवा क्यों नहीं करते? आज तो सेवा का समय है ना, आजकल फर्जी कागज गढ़ने का समय नहीं है। हम अनुरोध करेंगे, आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट, प्लीज टेल हिम टू गो एंड सर्व इन ए कोविड हॉस्पिटल and stop being jittery. If you have used a forged document, it will come out. And this metadata nonsense that he is doing, we clearly said yesterday that the Central Vista document is our document. To show metadata of Central Vista document, you cannot establish the forgery of a false COVID-19 document by naming a person. So the metadata is of
this document, which is the Central Vista document, and you are trying to show it as the other forged documents metadata. So I want to again reiterate to all channels, to all friends, 20,000 crore loot from farmers, 62 crore farmers should be the paramount issue for all of you. Absence of life-saving medicine, tocilizumab, ivermectin, Dexona, this should be the issue. The issue should be faulty ventilators being supplied by PM Care. The issue should be failure of government to set up oxygen plant in 1 year. The issue should be the lives that are being lost, thousands and thousands and thousands of dead bodies floating in the Ganges. The issue should be number of deaths which are not being reported, nearly 65,000 extra deaths in Gujarat, and 5,000 death certificates only in 1 month in Lucknow alone. The issue should be the debasement of human life by the Bharatiya Janata Party. They only want to divert, but this fake agenda setting by the fake managers of BJP will not succeed. Thank you, Pranabji. And thank you to all my friends. Grateful. Thank you.